2014 से लगातार जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुसंख्यक को ये बताया जा रहा है कि देखिए हिंदू खतरे में है। यूं कि 2014 से पहले ये बताया जा रहा था कि हिंदू खतरे में है, आप एक ऐसी सरकार लाइए, आप प्रधानमंत्री हिंदू बनाइए, प्रधानमंत्री ऐसा बनाइए कि जो इस देश के अंदर इस देश को आजादी दिला सके। तो 2014 से पहले भी खतरे में थे और 2014 के बाद भी गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, कानून मंत्री आपका, और फिर भी बहुसंख्यक जो है वो बहुसंख्यक की जो बेटियां हैं जहां पर प्रधानमंत्री ही कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, तो बेटी किससे बचानी है और बेटी किसको पटानी है? तो अभी भाजपा के सारे जितने भी नजर आ रहे हैं सारे भाजपा के ही नजर आ रहे हैं। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री हैं, देखिए इस तरीके के ढोंगी बाबा हर रोज मार्केट में आते हैं और अलग अलग नामों से अलग अलग वेशभूषा पहन करके, जैसा कि मोदी जी कहते हैं वेशभूषा से पहचाने जाएंगे, तो पहचाने जा रहे हैं। देखिए बागेश्वर धाम जैसे और भी कई बाबा इसी देश के अंदर, देखिए बाबा राम रहीम, देखिए शहर के शहर तबाह हो रहे, नहीं हो रहे। वही मैं कह रही हूँ कि इस तरीके के बाबा सिर्फ और सिर्फ लोगों आज क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ एक सांप्रदायिक माहौल, एक तनाव का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको हिंदू राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये देश जो है संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या फिर ऐसे बाबाओं के कहने पर चलेगा कि बाबा कहेंगे भड़काएंगे और ऐसे बाबाओं की गिरफ्तारी नहीं होती है? लोग इस देश के अंदर अगर ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा अगर कहीं किसी मुल्ला ने या किसी मुसलमान ने ये बात कही होती, मुस्लिम राष्ट्र की बात कही होती, तो फौरन गिरफ्तारी हो गई होती। अभी पीछे आपने देखा भी होगा, वही मैं कह रही हूँ कि बालासोर की जो घटना हुई वो कहते हैं कि मुझे पहले से ही ज्ञान था। तो देखिए इस तरीके के जो ढोंगी बाबा हैं, आपने क्यों इतने हजारों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो मानती है ना बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, जिस तरीके का सेंसिटिव मामला अभी उत्तरकाशी में हुआ है, मुसलमान पलायन कर रहे हैं वहाँ पर बाबा के इस बयान से, बाबा से पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं चाहिए बाबा को से पूछताछ? बयानबाजी वाला केस तो उन पे लगता होगा, मतलब लगना चाहिए जैसे हालात हैं जो पैदा कर दिए उनके बयानबाजी से, जैसे कि दिल्ली दंगों के मामले में हुआ था, जरा सी भाषणबाजी के मामले में आज एक 1000 दिन हो गए लोगों को जेल में। आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने पहली बार हिंदू राष्ट्र की बात की थी, गिरफ्तारी तो तभी होनी चाहिए थी कि देश का अमन शांति और एक सांप्रदायिक माहौल बनाने के जुर्म में उनकी पहली गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए इस देश के अंदर कानून जो है वो कानून किस तरीके से और किसके इशारे पर काम कर रहा है हम सब जानते हैं कि आज भाजपा का कोई इस तरीके का माहौल जो नफरत परोसने का काम करता है वो अगर भाजपा से है तो फिर जाहिर है गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि कानून इस देश के अंदर दो चल रहे हैं, एक मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अलग कानून है और भाजपा के और भाजपा के गुंडों के लिए अलग कानून है। मैं तो गुंडा कहूंगी ऐसे लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ देश में जब तनाव पैदा करते हैं तो जाहिर सी बात है जो बागेश्वर धाम हो या कोई बाबा राम रहीम हो या कोई भी इस तरीके के जो अपने आप को संत और अपने आप को बाबा कहते हैं, तो जाहिर सी बात है नाम और भूल रही हैं बाबा रामदेव। देखिए इस तरीके के बहुत 2014 में बाबा रामदेव मदद करते हैं भाजपा की, 30 रुपए लीटर पेट्रोल बिकवाने की बात वो कर देते हैं। अब ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, तो 2024 में ये मदद करने वाले हैं। देखिए ये सारे बाबा समय समय पर जब चुनाव आते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, इनको काम दे दिया जाता है, फिर उसके बाद ये शांति पकड़ लेते हैं। और अभी इसी तरीके के बाबा ही नहीं है, अभी और तमाम लोगों को काम मिले हुए हैं। देश बाबाओं से चलेगा, हम तो देश संविधान से चलाना चाहते हैं। अगर मोदी जी अगर बाबाओं से चलाना चाहते हैं ढोंगी बाबाओं से, तो फिर देश कितने खतरे में है वो देश की जनता तय करेगी। लेकिन आज जिस तरीके का माहौल है, भाजपा जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो साहिल और साक्षी की बात हो, चाहे फिर वो जिस तरीके का हमने देखा कि उत्तराखंड के पुरोला में जो हुआ, जिस तरीके से लोग पलायन करें एक समुदाय को सिर्फ टारगेट करके चुनाव आते हैं, तो ये इसी तरीके की लिंचिंग, इस तरीके की घटनाएं आम हो जाती हैं, कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कहीं किसी तरीके का कोई मामला नहीं होता, आप देख रहे हैं। और लगातार पुष्कर सिंह धामी कहती है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा तो उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होगा, गिरफ्तारियां होंगी। लेकिन उनकी गिरफ्तारी का क्या, जो साफ तस्वीरें हैं सामने, लेकिन तोड़फोड़ कर रहे हैं और गिरफ्तारी नहीं होती है। एक चीज पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से कश्मीर में प्लान हुआ था कश्मीरी पंडितों का, अब उत्तरकाशी में हो रहा है, मीडिया मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मीडिया भी
भाजपा से मिला हुआ है इस तरीके से? देखिए आप मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी तो आप बात ही ना करें, क्योंकि आज वो जिस तरीके से सत्ता की दलाली कर रहा है, और बड़े अफसोस के साथ इस बात को कह रही हूँ कि लोकतंत्र का एक पिलर तो धराशायी पूरी तरीके से हो चुका है, क्योंकि अब हालात ये हैं कि जब यही लोग कश्मीर फाइल पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग जो कहते थे कि कश्मीरी पंडितों के पलायन से जो है वो मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ता और इसी देश का हिस्सा है था कश्मीर और आपने आवाज़ नहीं उठाई, आप कहाँ थे, लगातार इस बात को सोशल मीडिया के द्वारा पूछा जाता है कि जब कश्मीरी पलायन पंडित पलायन कर रहे थे तब उस वक्त आप लोग कहाँ थे। लेकिन आज पूछना चाहती हूँ उन्हीं से कि आज जब पुरोला में उत्तरकाशी के अंदर जब लोग पलायन कर रहे हैं तब आप लोग चुप्पी क्यों साधे हुए, क्यों इतनी क्या सत्ता के की चापलूसी हो गई, क्या तलवे चाटने हो गए कि आप जो जिसका काम सत्ता से सवाल करना है आज आप उन्हीं के पिट्ठू बन गए हैं। तो देखिए आज अगर हम उन लोगों से उम्मीद करते हैं कि आज वो सत्ता के खिलाफ जाकर के उसके विरोध में कोई बात लिखेंगे, रूबिका लियाकत जिस तरीके से ट्रेन हादसा हुआ फर्जी खबर चलाई और वो निकाल दी गई या जो भी उसके पीछे वजह रही, लेकिन जो सामने जो खबर आई सोशल मीडिया के द्वारा वो यही खबर आई, तो इसी तरीके से देखिए इस देश का जो वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस तरीके की खबरें दिखाने का काम नहीं करता। 15-20 दिनों से लगातार पलायन हो रहा है लेकिन कोई खबर कहीं किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं है, कहीं किसी पत्रकार के मुँह से किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं उठती है, देश खतरे में नहीं आता है, तमाम जो महिला मंत्री हैं तमाम जो वो लोग हैं जो देश विरोधी जो कहते थे कि जो अगर हिंदुओं के साथ कुछ होता तो देश विरोधी जो काम हो रहे हैं, लेकिन आज अगर लोग पलायन कर रहे हैं इसी देश के लोग तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी, जैसा कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार कह रही है।